नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। काशी पत्रकार संघ के सदस्य और वाराणसी मीडिया जगत के वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत को संघ के वर्तमान अध्यक्ष राजनाथ तिवारी के द्वारा उन्हें आजीवन निष्कासन का फरमान जारी करते ही हड़कंप मच गया। वाराणसी प्रेस क्लब ने वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत को क्लब की सदस्यता ग्रहण करने का भेजा न्योता। संघ के वर्तमान अध्यक्ष जी का आरोप है कि विजय विनीत काशी पत्रकार संघ का सदस्य होते हुए दूसरे पत्रकार संगठन के कार्यक्रम में शामिल होकर संघ के खिलाफ बयान देकर इस ऐतिहासिक संगठन की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा विजय विनीत को काशी पत्रकार संघ की सदस्यता से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत की माने तो उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पत्रकार प्रेस क्लब के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपने भाषण में जो कहा उसे किसी भी कीमत पर पत्रकार संघ की गरिमा के खिलाफ नहीं माना जा सकता। देखिए, पत्रकार प्रेस क्लब के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विजय विनीत अपने भाषण में संघ के उन पदाधिकारियों को आईना दिखा रहे हैं जो किसी भी मीडिया हाउस में नौकरी नहीं करते बल्कि मीडिया संस्थानों से निकाले हुए बेरोजगार पत्रकार साथी हैं। मैंने घनश्याम भाई को कई बार फोन किया है कि घनश्याम जी मेरे घर में मुझे सजेशन देना होता है, लेना होता है, तो मैं इनको क्यों बुलाऊं? इनकी बहादुरी, इनकी तन्मयता और इनका एक लगन और इनका पास सबसे बड़ी जो चीज है वो जिगरा है इनके पास। बाकी तो यहाँ पे तमाम संगठन मैंने देखा है पत्रकारों का मऊहों की तरह से रहते हैं और उनको कह दीजिए तो पतली गली से भाग खड़े होते हैं। और हमें ऐसे पत्रकारों को, ऐसे कलमकारों को का साथ नहीं चाहिए जो पतली गली से भाग जाते हैं। हमें मर्द पत्रकारों के साथ रहना है। हम 10 लोग ही रहेंगे लेकिन मर्द बन करके रहेंगे और कलम चलाएंगे, दृढ़ता के साथ लिखेंगे, जो चीज लिखेंगे वो सच लिखेंगे, झूठ और गंदला सब हम नहीं लिखेंगे। शायद इसीलिए तभी तो विजय विनीत संघ के वर्तमान अध्यक्ष राजनाथ तिवारी के एक पक्षी फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यह फैसला संघ के विधान के विरुद्ध और हमारे जैसे कलम के असली सिपाही और संघ की गरिमा को मिट्टी में मिलाने वाला है। क्लाउन टाइम्स ने विजय विनीत और राजनाथ तिवारी के बीच मचे घमासान की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया और देश के सबसे बड़े चर्चित न्यूज पोर्टल भड़ासपोर मीडिया.com ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया तो मीडिया में हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। जहां एक ओर संघ के वर्तमान अध्यक्ष राजनाथ तिवारी अपने फैसले पर डटे हुए हैं, वहीं संघ के पूर्व अध्यक्ष कृष्णदेव नारायण राय व वरिष्ठ पत्रकार अजय राय ने विजय विनीत के खिलाफ जारी फतवे पर कड़ा ऐतराज जताते हैं। विजय विनीत जैसे कलम के असली सिपाही को काशी पत्रकार संघ ने केवल इसलिए निष्कासित किया कि वे संघ के वर्तमान पदाधिकारियों को अपने भाषण में उन्हें आईना दिखा दिए। वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश गुप्ता और महामंत्री अशोक कुमार मिश्र ने संघ के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए निर्णय लिया है कि वरिष्ठ पत्रकार और कलम के असली सिपाही विजय विनीत की लड़ाई में हम सभी उनके साथ हैं और उन्हें वाराणसी प्रेस क्लब में सम्मानित सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुल मिलाकर काशी पत्रकार संघ के वर्तमान अध्यक्ष राजनाथ तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत के बीच इस हद तक लड़ाई सड़क पर आ जाएगी, यह आश्चर्यजनक है। इससे समाज में काशी पत्रकार संघ की साख को एक बार फिर बट्टा लगा है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।